हे दोस्तों, अगर आप अपने बिजनेस को बड़ा बनाना चाहते हो वॉलमार्ट की तरह, तो ये 10 रूल आपको जानना ही होगा, जिसको अप्लाई करके सैम वॉल्टन ने वॉलमार्ट को बुलंदियों पर पहुंचाया है। और ये सेम रूल अप्लाई करके अमेज़न आज आसमान छू रहा है। हम स्टेप बाय स्टेप डिटेल में वो सारे रूल के बारे में जानेंगे। पहला रूल है कमिटमेंट। कमिट टू योर बिजनेस। विश्वास करो दूसरों से ज़्यादा, 100% विश्वास करो, ये बिजनेस सक्सेसफुल होगा। पैशन वहीं से आता है। अपने काम से प्यार करो, हर रोज पैशन के साथ काम करो, और ये आपकी पैशन, लव ऑफ योर वर्क, दूसरे लोगों को विश्वास करने पे मजबूर कर देगी। धीरे धीरे ये पैशन की बीमारी सब में फैल जाएगी। देन यू एंड योर बिजनेस विल बी अनस्टॉपेबल। रूल नंबर 2, शेयर योर प्रॉफिट्स। अपने बिजनेस के प्रॉफिट को अपने एसोसिएट के साथ शेयर करो और उन्हें एक पार्टनर की तरह ट्रीट करो। उनको ऑफर करो कंपनी के स्टॉक डिस्काउंट में, प्लस उनके लिए रिटायरमेंट प्लान बनाओ। ये चीज़ लोगों को बिजनेस में बांध के रखता है। वो लोग इसे खुद का बिजनेस मानेंगे अगर आप उनको पार्टनर की तरह बिहेव करते हो। रूल नंबर 3, मोटिवेट योर पार्टनर्स। सिर्फ पैसा और ओनरशिप लोगों को मोटिवेट नहीं कर सकता। हर रोज नए नए इंटरेस्टिंग तरीके ढूंढो जिससे वो मोटिवेट हो। उनको चैलेंज करो, हाई गोल सेट करो, कंपटीशन क्रिएट करो, लोगों को सस्पेंस में रखो। ये अप्लाई करो, उनको काम करने पे मजा आएगा, क्योंकि मोटिवेशन इंसान के अंदर जान डाल देता है। रूल नंबर 4, कम्युनिकेट। अपने पार्टनर के साथ जितना हो सके आलोचना करो। याद रखो, जितना वो जानेंगे उतना वो समझेंगे, जितना वो समझेंगे उतना वो केयर करेंगे। एक बार वो बिजनेस के लिए केयर करने लगे, तब आपको कोई भी नहीं रोक सकेगा। अगर आप अपने एसोसिएट को विश्वास नहीं करोगे, वो खुद को पार्टनर नहीं मानेंगे। रिमेंबर, नॉलेज इज पावर, जब आप इसे सही से यूज़ करेंगे, और ये नॉलेज आपको कंपटीशन को हराने में हेल्प कर सकता है। रूल नंबर 5, अप्रिशिएट। अगर कोई एसोसिएट बिजनेस के लिए कुछ अच्छा करता है, तो उसको देन एंड देयर अप्रिशिएट करो। अप्रिशिएशन से ज़्यादा कुछ भी अच्छा फील नहीं करवा सकता। अ हाई पेचेक, स्टॉक ऑप्शन, कुछ भी, पर ये पेचेक, स्टॉक ऑप्शन उन एसोसिएट को लॉयल बनाता है। पर एप्रिशिएशन एक डिफरेंट लेवल की है, इसे इंसान को प्राउड फील होता है। सही टाइम पे, सही जगह और सही वर्ड से लोगों को एप्रिशिएट करो, ये आपके भाग्य बदल सकता है। एक कहावत है दोस्तों, लोगों को अपने बारे में अच्छा फील करवाओ तो वो आपके लिए कुछ भी कर सकता है। रूल नंबर 6, सेलिब्रेट। अपने सक्सेस को सेलिब्रेट करो। मुश्किलें, परेशानियां तो आती रहती है, आपको हमेशा मस्त रहना होगा। अगर आप थोड़ा भी बैड फील कर रहे हो, तो आपके एसोसिएट भी बैड फील करेंगे आपको देख के। तो हमेशा लोगों को उत्साहित करो, लोग आपसे इंस्पायर होंगे, सेलिब्रेट करो। रूल नंबर 7, लिसन। हर एक की बात सुनो, वो क्या कहना चाहता है। सेल्समैन, मैनेजर, वर्कर, सबसे बात करो। हो सकता है उनसे आपको एक शॉकिंग इन्फॉर्मेशन मिले जिससे आपके बिजनेस को हेल्प होगा। जैसे नए नए क्रिएटिव आइडिया अपने सेल को बढ़ाने के लिए, अपने एक्सपेंस को कम करने के लिए, ऐसा ही बहुत सारा मस्त आइडिया। क्योंकि आइडिया किसी की जागीर नहीं है। छोटा वर्कर के पास भी बड़ा आइडिया हो सकता है जो आपको आपकी प्रॉब्लम को सही करने में हेल्प कर सकता है। रूल नंबर 8, एक्सीड। अपने कस्टमर की एक्सपेक्टेशन से कुछ एक्स्ट्रा करो। वो जो चाहते हैं उन्हें वो दो, प्लस कुछ एक्स्ट्रा भी दो। उनको पता लगे कि आप उनको अप्रिशिएट कर रहे हो। और कभी भी कोई एक्सक्यूजेस एंड अपोलॉजीज मत रखना। जैसे आज आपको वो प्रोडक्ट नहीं मिल सकेगी क्योंकि हमारी गाड़ी नहीं आई है, ब्ला ब्ला ब्ला। अपने गलतियों को मान लो, बट अपोलॉजीज मत करो। नो एक्सक्यूजेस, नो अपोलॉजीज। रिमेंबर, वॉलमार्ट बस एक ही प्रिंसिपल के ऊपर चल रहा है, कस्टमर सेटिस्फैक्शन गारंटेड। रूल नंबर 9, कंट्रोल। अपने खर्च का ध्यान अच्छी तरीके से रखो।
जब कभी भी वॉलमार्ट कस्टमर की $1 बचाता है तो वो हमको कंपटीशन में आगे रखता है। हम हमेशा लोएस्ट एक्सपेंस टू सेल रेशियो मेंटेन करने की कोशिश करते हैं, बिकॉज इन बिजनेस कंट्रोल इज एवरीथिंग। आखिरी रूल, रूल नंबर 10, स्विम अप, दूसरे रास्ते से जाओ। सारे लोग जो कर रहे हैं ठीक उसका उल्टा करो। उन सभी को इग्नोर कर दो जो बोलते हैं तू गलत रास्ते पे है। मुझे लोग बोलते थे ये शहर में बस 50,000 लोग रहते हैं, यहाँ डिस्काउंट स्टोर नहीं चलेगा। मैंने उनकी बात नहीं सुनी। आज वॉलमार्ट कितना बड़ा है आप सभी जानते हैं। सैम वॉल्टन की ये 10 रूल अगर आप भी अपने बिजनेस में अप्लाई करते हो तो आपका बिजनेस बड़ा बन सकता है एक जायंट की तरह। सो दोस्तों, वीडियो कैसा लगा? अगर आपको लगता है ये 10 रूल एकदम परफेक्ट है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर आप सैम वॉल्टन और वॉलमार्ट के बारे में और ज़्यादा कुछ जानना चाहते हैं तो नीचे कॉमेंट करें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में।